नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपिका नरुका और आप देख रहे हैं न्यूज 21। रुक करेंगे आज के कुछ खास खबरों का। खबर दिल्ली से है, जहां फुर्तीला का प्रमोशन एक कॉलेज में किया गया। इस फिल्म की स्टार कास्ट देश भर में प्रमोशन कर रही है, खासकर कॉलेज स्टूडेंट की प्रेम कहानी पर आधारित फुर्तीला का प्रमोशन कॉलेज में किया जा रहा है। इसी सिलसिले में फुर्तीला जस्सी गिल व उसकी प्रेमिका अमायरा दस्तूर ने मीडिया से मुखातिब होकर फिल्म के बारे में बेबाकी से बातचीत की। जस्सी गिल ने कहा कि पिछले 2-3 साल से मैंने कोई फिल्म सिर्फ इसलिए नहीं की, मैं ऐसी फिल्म करना चाहता था, इसका कॉन्सेप्ट डिफरेंट हो। फुर्तीला में मुझे सब कुछ नज़र आया और मैंने इस फिल्म को साइन कर लिया। जस्सी ने कहा, फुर्तीला एक कॉलेज प्रेम कहानी है और कास्टिंग एकदम सही है। फिल्म में फुर्तीला यानी जस्सी गिल की हरकतों की वजह से जाना जाता है। फुर्तीला भावनाओं के रोल कोस्टर का अनुभव कराती एक नाटकीय कॉलेज प्रेम कहानी है, जो प्यार, दिल टूटने और आत्मखोज की यात्रा की पड़ताल करती है। फिल्म देखकर लोग हंस हंस कर लोटपोट होंगे। फिल्म की नूर यानी अमायरा दस्तूर ने कहा, यह फिल्म मेरे लिए खास है। इससे पहले मैंने पंजाबी फिल्में एनी हाउ, मिट्टी पाओ, चिड़िया दा चंबा में काम किया। उन्होंने कहा कि अन्य दो फिल्में बाद में शुरू हुई, लेकिन फुर्तीला से पहले रिलीज हुई। अपने रोल को लेकर अमायरा ने कहा, नूर एक सीधी सादी स्टूडेंट है, उसके साथ एक घटना होती है, फुर्तीला आकर उसकी मदद करता है, इसके बाद दोनों एक दूसरे से प्यार हो जाता है। फुर्तीला की कहानी का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। अमर हुदल फिल्म्स और ओट प्रोटेक्शन में बनी इस फिल्म का टीजर दर्शकों को खूब पसंद आ रहा है। कॉमेडी से भरपूर अमर हुदल द्वारा निर्देशित व लिखित फिल्म फुर्तीला के इस डायलॉग गुरदीप मनालिया व रियान खान ने लिखे हैं। इस फिल्म में लीड एक्टर जस्सी गिल, एक्टर्स अमायरा दस्तूर के अलावा बलविंदर, हनी मट्टू, नवी और अन्य प्रतिभाओं की विशेषता वाले बेहद दमदार स्टार्स हैं। कैसा सफर रहा जी? ऑलमोस्ट मुझे 14 साल हो गए मैं इंडस्ट्री में काम करते हुए और आई थिंक 11 साल से मैं फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। पहले फिल्म इंडस्ट्री में काम किए, फिर बॉलीवुड में काम किए, आगे भी कर रहे हैं। तो ये बोलते हैं कि सिंगिंग का मुझे पता था कि मुझे गाना अच्छा लगता है। एक्टिंग जब सिंगिंग की वीडियोज करने लगे तब पता चला कि यार ये काम भी कर सकते हैं। तो और आगे जब अच्छे अच्छे आर्टिस्टों के साथ काम किया तो बहुत कुछ सीखने को मिला, फिर अपने आप को उसमें भी इम्प्रूव करने की कोशिश की। ये फिल्म कैसे अलग है? ये फिल्म नॉर्मल पंजाबी फिल्मों से तो मतलब मैं बोलना चाहूँगा बहुत अलग है, क्योंकि मेरी खुद से कोशिश थी। मैंने पिछले 2-3 साल से कोई पंजाबी फिल्म इसलिए नहीं की थी कि मेरी कोशिश थी कि कोई ना कुछ डिफरेंट कॉन्सेप्ट हो, जो कि जिसमें नॉर्मल जैसे हमारे क्या करते हैं कि पंजाबी फिल्म में मोस्टली जो जैसा दिखता है सिंगर उसको वैसा ही दिखा देते हैं फिल्म में, तो मतलब वो लोग उसकी एक्टिंग से कनेक्ट नहीं कर पाते। सो हमारी ये कोशिश थी कि कुछ डिफरेंट हो, चाहे वो लुक वाइज हम डिफरेंट करने की कोशिश करें। और इससे पहले मैंने जितना भी काम कर लिया था तो मुझे भी ये था कि यार मुझे वो सिमिलर काम तो नहीं करना, मुझे कुछ डिफरेंट करने को मिलेगा तब करेंगे। सो ये फिल्म एक कॉलेज की स्टोरी है, एक ऐसे लड़के की स्टोरी है जो बहुत ही शरीफ और जिसे बोलते हैं कि जैसे होते हैं अपने कॉलेज में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी पढ़ाई का ही मतलब होता है, उनको तो वही नहीं पता कौन सा कपड़ा पहनना है, ये मतलब कोई नहीं होता है, वरना फैशन का भी नहीं पता होता। तो मतलब वो ऐसा बच्चा है और जिसको उसको लगता है कि सब उसके जैसे ही हैं, सब बहुत शरीफ हैं, बट सब ऐसे नहीं होते, उसको यूज़ करते हैं। तो वो एक कॉलेज की स्टोरी है उस लड़की की, उसकी जर्नी है, वो देखने को मिलेगी। लव स्टोरी लव स्टोरी है क्योंकि वो नूर को बहुत पसंद करता है, बट नूर का एक अपना है कि वो बोल रही है इसके साथ थोड़ा ना मेरी फ्रेंडशिप हो गई, ये तो अगर इसके साथ मेरी होगी तो सबसे पहले तो आप लोगों ने मेरा मजाक उड़ाना है लड़कियों में, तो मतलब ऐसा करेक्टर है। बट तो हमारा जी को पंजाबी फिल्मों में लाने का पहली पंजाबी फिल्म थी, इसके बाद हमारा ने 2 और पंजाबी फिल्में कर ली हमारी फिल्म रिलीज होने से पहले और वो रिलीज भी हो गई। तो यही था कि हमने जब मेरी और अमर पाजी की बात हुई थी तो हमने हमारा को अप्रोच किया था, तो हमें ये था कि ये लड़की करेंगे, अच्छी दिखती है और अच्छा एक्ट भी करती है, अच्छा काम करती है, तो इन्होंने बहुत अच्छा काम किया फिल्मों में। और वहीं से सेट से ही जैसे आवाज़ निकलती है, क्योंकि बहुत सारी फिल्में मेरे साथ भी ऐसी हुई हैं कि जब आपको वहाँ पे क्रू जो टेक्निकल लोग होते हैं, कैमरामैन, ये राइटर्स, वो आपको काम करते देखते हैं तो फिर आगे आपका बोध बता देते हैं कि वो यार वो सेट पे वो अच्छा काम कर रहा है, अगर आपको कुछ करवाना हो तो आप करवा सकते हैं। तो हमारा का इस सेट पे इन्होंने शुरू किया और उसके बाद 2 पंजाबी फिल्में कर ली ऑलरेडी।